वहीं बाराबंकी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दुल्हन ने शादी से उस वक्त इनकार कर दिया जब जयमाल की सारी रस्म पूरी हो चुकी थी। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि लड़की पक्ष ने जयमाल होने तक नाश्ता, द्वार पूजा और जयमाला की सारी रस्में पूरी की। जयमाल होने के बाद लड़की पक्ष ने विवाह के लिए दूल्हे को घर के अंदर बुलाया, जहां घर के अंदर दुल्हन की मां ने दूल्हे को थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। दूल्हे के पिता का आरोप है कि बारातियों को भी बंधक बनाकर उन्हें भी बेइज्जत किया गया है। दुल्हन के लिए लेकर गए जेवरात और सामान भी लड़की वालों ने रख लिए। मामला 23 अप्रैल का है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। लड़के पक्ष वालों का आरोप है कि उन्हें दूल्हा पसंद नहीं आया था, लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाह रही थी और इसीलिए 2 दिन बाद फिर उनके घर बारात आने वाली है। लड़के वालों का यह कहना है कि लड़की पक्ष के लोगों ने पूर्व में भी कई बारात जेवरात लेकर वापस करवाई है। देखिए रिपोर्ट। बाराबंकी में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में दुल्हन ने शादी से उस वक्त इनकार कर दिया कि जब जयमाल की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि लड़की पक्ष ने जयमाल होने तक नाश्ता, द्वारा पूजा और जयमाल की सारी रस्में पूरी की। जयमाल होने के बाद लड़की पक्ष ने विवाह के लिए दूल्हे को घर के अंदर बुलाया, जहां घर के अंदर दुल्हन की मां ने दूल्हे को थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। दूल्हे के पिता का आरोप है कि बारातियों को भी बंधक बनाकर उन्हें भी बेइज्जत किया गया। दुल्हन के लिए लेकर गए जेवरात और सामान भी लड़के वालों ने रख लिए। मामला 23 अप्रैल का है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि लड़की पक्ष वालों का आरोप है कि उन्हें दूल्हा पसंद नहीं था, लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाह रही थी, इसलिए 2 दिन बाद फिर उनके घर बारात आने वाली है। लड़के वालों का कहना है कि लड़की पक्ष के लोगों ने पूर्व में भी कई बारात जेवरात लेकर वापस करवाई है। वहीं दूल्हे दिनेश ने बताया कि दुल्हन के माँ और भाई ने मुझे कमरे में बंद कर जेवर और उपहार और साड़ी अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद दुल्हन की माँ ने एक साड़ी कम बताकर 3 थप्पड़ मार दिए। दिनेश का कहना है कि लड़की का अफेयर दूसरे लड़के से है और उसके साथ शादी तय हो चुकी है। फिलहाल इस मामले में शिकायत मिलने के बाद सीओ सिटी आतिश कुमार ने थाना देवा पुलिस को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सीओ सिटी आतिश कुमार सिंह का कहना है कि ओम प्रकाश ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। ये जहांगीराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके बेटे का विवाह तय हुआ था, लेकिन इनका आरोप है कि लड़की पक्ष ने शादी नहीं की और जो गहने थे वो भी अपने कब्जे में ले लिए। इस संबंध में इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया और इसकी जांच की जा रही है। ये ओम प्रकाश है जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। ये रहने वाले जहांगीराबाद क्षेत्र के हैं। देवा क्षेत्र में इनके लड़के का विवाह तय हुआ था, लेकिन इनका आरोप है कि लड़की पक्ष ने विवाह किया नहीं और जो गहने थे वो भी अपने कब्जे में कर लिया है। इस संबंध में इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसी के आधार पर हम आगे विधिक कार्रवाई करेंगे।